हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है जिन्हें ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो खोल दिए गए हैं और आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बरेली कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्हें इंतज़ार है कि बरेली कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कब से होंगे। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम ये आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बरेली कॉलेज में 30 के बाद ही शुरू होंगे प्रवेश पंजीकरण। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको बरेली कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसमें 30 के बाद ही जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए जाएंगे। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण शुरू हुए 3 दिन हो गए हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं इस चीज़ के लिए। पंजीकरण कराने वाले छात्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जिले के सबसे प्रमुख कॉलेज में अभी तक पंजीकरण शुरू नहीं हो सके हैं। इसकी वजह से 30 जून को एजेंसी का टेंडर होगा, ऐसे में यहाँ पर देरी से प्रवेश होंगे और इसकी वजह से छात्रों के प्रवेश की संख्या भी कम हो सकती है। वहीं कॉलेज प्रवेश नियमावली का भी इंतज़ार कर रहा है। विश्वविद्यालय ने 17 जून से 6 जुलाई तक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि निर्धारित की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है वो पंजीकरण कर रहे हैं तो 6 जुलाई जो है वो उसकी लास्ट डेट रखी गई है। विश्वविद्यालय के पोर्टल पर सोमवार शाम तक करीब 4000 छात्रों ने प्रवेश पंजीकरण करा लिए थे। विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को भी प्रवेश संबंधी निर्देश जारी किए हैं। कई महाविद्यालयों ने प्रवेश पंजीकरण शुरू भी कर दिए हैं। बरेली कॉलेज में प्रोफेसर वंदना शर्मा को मुख्य प्रवेश नियंत्रक बनाया गया है। एक समिति बनाई गई है जिसमें 8 सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल किए गए हैं। कॉलेज में 20 जून से सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रम, BBA, BCA, BCom ऑनर्स और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। अगर आप BBA, BCA, BCom ऑनर्स इन सभी में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे कि BA, BSc, BCom इसमें प्रवेश में देरी होगी। मुख्य प्रवेश नियंत्रक प्रोफेसर वंदना शर्मा ने बताया कि अभी छात्र विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे हैं, जल्द ही कॉलेज में भी पंजीकरण शुरू करा दिए जाएंगे। अभी विश्वविद्यालय से प्रवेश नियमावली भी नहीं मिली है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं और आपको जो है कोई जानकारी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे क्या होना है, तो आपको बता दें कि आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए एक अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसकी डेट अभी चल रही है। इसके अलावा अगर आपको बरेली कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए अलग से फॉर्म आते हैं, आपको उसका फॉर्म भी फिल करना होता है। तो ये सभी कोर्सेज जो है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी बताया था BBA, BCA, BCom ऑनर्स और डिप्लोमा कोर्सेज, इनके लिए फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन अभी BA, BSc, BCom के फॉर्म नहीं आए हैं। जैसे ही इसके फॉर्म आते हैं वैसे ही तुरंत आपको हमारे वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।